कहते हैं कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। लेकिन क्या दोस्ती सिर्फ इसलिए करी जाती है कि हमारा दोस्त तभी काम आए जब हमारे सर पर कोई मुसीबत आई हो, या दोस्त की याद तभी आए जब कोई काम हो? कई लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती सिर्फ मतलब के लिए करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। वो तब तक आपके दोस्त रहते हैं जब तक आप उनके काम आते रहते हैं। जब आप उनके काम के नहीं रहते तो वो दोस्ती तोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के अलावा हमारी जिंदगी में एक, दो या तीन ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनके होने से हम अपने दुख, दर्द, तकलीफें सब कुछ भूल जाते हैं। उनके होने से हमें ये लगता है कि जिंदगी कितनी अच्छी है, हर चीज में एक अलग मजा है। ऐसे दोस्तों का होना किसी वरदान से कम नहीं होता। अच्छे दोस्त होने से हमारी जिंदगी भी अच्छी रहती है। दोस्तों से मिलना जुलना हमारे दुखों को कम करता है और हमारी खुशियों को बढ़ाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी से दोस्ती नहीं करते, हमेशा अकेले अकेले रहते हैं। किसी से दोस्ती करना उन्हें वक्त की बर्बादी लगता है। आज की इस शॉर्ट स्टोरी ऑन फ्रेंडशिप इन हिंदी के जरिए हम आपको बताएंगे कि दोस्तों का होना कितना जरूरी है, वो भी अच्छे दोस्तों का। इस फ्रेंडशिप स्टोरी इन हिंदी के जरिए आप समझेंगे कि एक अच्छा दोस्त किस तरह हमारी उदासी भरी जिंदगी में खुशियां ला सकता है। आप इस दोस्ती पर एक छोटी सी कहानी को जरूर सुने और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये कहानी है एक बंदर की जो कि बहुत ही झगड़ालू था। वो अपने साथी बंदरों के साथ हमेशा लड़ता रहता और उन्हें नए नए तरीकों से परेशान करता। एक दिन उससे तंग आकर उसके साथियों ने योजना बनाई कि रात को जब ये गहरी नींद में सो रहा होगा तो हम सब इसे छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। अपनी योजना के तहत उसके सभी साथी रात को मौका मिलते ही उसे छोड़कर भाग गए। अगली सुबह जब वो बंदर उठा तो उसने देखा कि वो वहां अकेला है और उसके सभी साथी गायब हैं। उसने इधर उधर अपने साथियों की तलाश करी लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वो समझ गया कि उससे परेशान होकर उसके साथियों ने उसे छोड़ दिया है। कुछ महीने बीत गए, वो बंदर अकेला उस जंगल में बहुत परेशान हो गया। उसकी जिंदगी एकदम नीरस हो गई। अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसने मरने का फैसला किया, लेकिन खुद को मारने की उसमें हिम्मत नहीं आई। वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक बूढ़े शेर पर पड़ी। वो शेर आराम कर रहा था। बंदर ने सोचा, मैं खुद को तो नहीं मार सकता, लेकिन ये शेर जरूर मुझे मारकर खा सकता है। बंदर उछलता हुआ शेर के पास गया, उसके कान खींचने लग गया। शेर को जैसे ही कान खींचने का एहसास हुआ तो तेजी से उठा और बंदर की तरफ झपटा। बंदर डर के मारे वापस पेड़ पर चढ़ गया। शेर का निवाला बनने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाई। उसने फिर से एक बार शेर का कान खींचा और इस बार भी वो शेर की पकड़ में नहीं आया। शेर ने सोचा कि ये बंदर फिर से मेरा कान खींचने की कोशिश करेगा तो इस बार मैं सोने का नाटक करता हूं। जैसे ही ये पास आएगा तो इसे पकड़ लूंगा। तीसरी कोशिश में बंदर पकड़ा गया। बंदर को अपने चंगुल में लेकर शेर जोर से दहाड़ मारते हुए बोला, इस पूरे जंगल में खेलने को तुम्हें सिर्फ मैं ही मिला। अपनी इस शरारत के बदले अब तुम अपनी जान से जाओगे। बंदर ने शेर को शरारत करने की असली वजह बताई और बोला, अब आप ही हैं जो मुझे मेरी इस उदास जिंदगी से छुटकारा दिला सकते हैं। बंदर की बातों को जानकर शेर ने इधर उधर देखा और बोला, मेरे कान खींचते हुए तुम्हें किसी और जानवर ने तो नहीं देखा ना? बंदर बोला, नहीं, आपके और मेरे अलावा यहां कोई है ही नहीं। ऐसा सुनकर शेर ने बंदर को छोड़ दिया और कहा, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत समय से अकेला हूं। मेरे साथी यहां से चले गए लेकिन मैं उनके साथ नहीं गया। आज बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे परेशान किया जिससे मेरी उदास सी जिंदगी में थोड़ा मजा लौट कर आया। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। शेर की बातें सुनकर बंदर ने उससे दोस्ती कर ली। वो दोनों एक साथ रहने और खेलने लगे। जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने दोस्तों के साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छा दोस्त होना और खुद भी एक अच्छा दोस्त बनना बहुत जरूरी है। दोस्तों के साथ बिताया हर पल मजेदार होता है। वो पल ऐसे होते हैं जब हमें एहसास होता है कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। दोस्तों के साथ मिलकर बातें करने से, पार्टी करने से, हंसी मजाक करने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। जो चीजें हम अपने परिवार के साथ शेयर नहीं कर पाते वो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं।
परिवार के बाद या कभी कभी परिवार से पहले दोस्त ही होते हैं जो हमारा साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में आप भी अकेले रहने ही ना सोचें। एक दो दोस्त ऐसे जरूर बनाएं जिनके होने से जिंदगी जीने लायक लगे।